हेलो दोस्तों, मैं मोहराज सिंह, ईडी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आप लोगों का स्वागत है। ठीक है, आज हम ईडीडी का लेक्चर नंबर 8 स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, ईडीडी का लेक्चर नंबर 8 स्टार्ट करने जा रहे हैं, लेक्चर नंबर 8 स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है भाई, आज हम पढ़ेंगे लाइट एंड फैन सर्किट क्या होता है। लाइट एंड फैन सर्किट क्या होता है भाई? ठीक है, देखो लाइट एंड फैन सर्किट क्या होता, ये तुम्हारा चैप्टर नंबर 3 है, इसमें हम पढ़ेंगे लाइट एंड फैन सर्किट क्या होता। देखो जल्दी जल्दी मैं बता देता हूँ तुमको, इसका ध्यान रखना हमारे चैनल का। ठीक है, ये इसमें लाइट एंड फैन सर्किट क्या होता। देखो लाइट, लाइट से मतलब लाइट है। ठीक है, लाइट है, लाइट मतलब लाइट जिसके जहां पे हमारी लाइट कंट्रोल होती है वो लाइट, लाइट एंड फैन। और जहां से फैन कंट्रोल होता है वहां से फैन, फैन को बोलते हैं। तो लाइट एंड फैन दोनों, यानी कि दोनों कंट्रोल होते हैं, जहाँ से लाइट भी कंट्रोल होता है और फैन भी कंट्रोल होता है। ठीक है, ये हमारा लाइट एंड फैन सर्किट होता है। ये होता है, देखो इसमें क्या है, सामान्य वायरिंग प्रकाश उपकरण। सामान्य मतलब जो वायरिंग होती है हमारी, उसमें जो है प्रकाश के उपकरण, प्रकाश यानी पंखा हो गया, ट्यूबलाइट हो गई और एलईडी बल्ब हो गया, ये भी जो हो गए, हैलोजन लैंप हो गए, जो भी है यानी के। तो उसमें जो ये सामान्य वायरिंग प्रकाश उपकरण, जो प्रकाश के उपकरण होते हैं और पंखा होता है, ठीक है, तथा 5 एम्पियर का सॉकेट होता है। एक 5 एम्पियर का सॉकेट कौन सा होता है, ये देखो तुमने देखा होगा इस प्रकार से, ये वाली जो ऊपर वाली पिन होती है चौड़ी होती है। ठीक है, ये 5 एम्पियर का सॉकेट है। कितने का? 5 एम्पियर का। इसका सिंबल दिखाया था मैंने तुमको, ये बताए थे तुमको सिंबल। ठीक है, ये विदाउट उसका था। ठीक है, ये विदाउट स्विच का, और स्विच से भी कंट्रोल होते हैं, विदाउट स्विच के भी कंट्रोल होते हैं। ठीक है, अब हम क्या आते हैं, देखो अब हम क्या आते हैं, देखो इसमें थोड़ा सा देखो, गर्मी की वजह से आपका हो गया कि भाई पता नहीं क्या हुआ। देखो लाइट सर्किट, लाइट सर्किट जिसके अंदर लाइट होती है, ठीक है, कॉमन सा समझने की बात है, कॉमन सा साइंस है, जहां पे लाइट होती है, ठीक है, वो लाइट सर्किट होता है। बल्ब हो, लैंप हो, ट्यूबलाइट हो, ठीक है, ये हमारी लाइट सर्किट। फैन सर्किट जो जिसके अंदर फैन लगे रहते हैं, ठीक है, जितने ही फैन लगे होते हैं वो फैन सर्किट, उसको बोलते फैन सर्किट। और क्या होता, और इनके अंदर सॉकेट और होंगे लगे हुए, क्या होंगे? सॉकेट, जो 5 एम्पियर के सॉकेट होते हैं। दूसरा क्या है हमारा, लाइट एंड फैन सर्किट, इनका कॉम्बाइंड क्या होता है, कॉम्बाइंड कॉम्बो, ठीक है, कम्बाइंड जो होता है उसको बोलते हैं लाइट एंड फैन सर्किट। इसके अंदर लाइट भी लगे हुए, फैन भी लगे होंगे और सॉकेट भी लगे होंगे, ठीक है, उसको बोलते हैं हम लाइट एंड फैन सर्किट। ठीक है, अब आता लाइट सर्किट। लाइट सर्किट एक आता, देखो लाइट सर्किट, लाइट सर्किट मैंने तुम्हें बता ही दिया, यही है ये, ठीक है, ये है, हाँ ये इसमें लाइट एंड फैन सर्किट। ठीक है भाई, ये हो गया हमारा। अब देखो, अब हम लाइट सर्किट के बारे में पढ़ेंगे, किसके, सॉरी हाँ, क्या लाइट के सब बारे में, लाइट सर्किट के बारे में पढ़ेंगे आप, किसके, लाइट सर्किट के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे लाइट सर्किट के बारे में? वन लैम्प, वन लाइट पॉइंट, वन मतलब एक लैम्प कंट्रोल्ड बाय वन पैलेस। वन पैलेस यानी कि एक लैम्प हमारा एक जगह से कैसे कंट्रोल होता है, एक लैम्प हमारा एक जगह से कैसे कंट्रोल होता है, देखो कैसे करते हैं उसको कंट्रोलिंग, देखो हमारी कैसे कंट्रोलिंग करते हैं। देखो ये हमारा फेज तार है, ठीक है, 220 वोल्ट आ रहे हैं, 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज की सप्लाई आ रही है हमारी, ये ठीक है। अब यहाँ से हमने क्या करा, ये स्विच लगा दिया, यहाँ पे हमने क्या लगा, लैंप लगा दिया, ये क्या हमारा लैंप है, ये क्या हमारा स्विच है, ठीक है, ये स्विच है, ये लैंप है, ठीक है, ये हमारा लैंप है, ये स्विच है, और ये नीचे से क्या है हमारा, ये न्यूट्रल है, ये हम नीचे से न्यूट्रल देते हैं, नीचे से हम न्यूट्रल देते हैं। अब हम इसको कंट्रोलिंग, देखो ये तो हो गया हमारा स्कीमेटिक डायग्राम, ये हो गया हमारा स्कीमेटिक, स्कीमेटिक डायग्राम, स्कीमेटिक डायग्राम इसको बोलते हैं, स्कीमेटिक मतलब स्कीम, जो हमारे माइंड में स्कीम आई है उसको बोलते हैं हम स्कीमेटिक डायग्राम, जो हमारे माइंड में स्कीम आई है उसको हम बोलते हैं स्कीमेटिक डायग्राम। ठीक है, अब दूसरा क्या आता है, देखो स्कीमेटिक हमने एक सोचा भाई हमारे पास एक क्या है, फेज तार आया, फेज तार में हमने क्या करा, स्विच लगाया, स्विच से हमारा लैंप आया, लैंप से हमने लैंप ये कंट्रोल कर दिया स्विच से, ठीक है, और ये एक न्यूट्रल दे दिया, ठीक है, वो हमारा हो गया स्कीम, मतलब माइंड में हमारी स्कीम, इसीलिए इसको नाम रख दिया इसका स्कीमेटिक डायग्राम। दूसरा आता हमारा देखो
मल्टी लाइन वायरिंग डायग्राम, क्या बोलते हैं मल्टी लाइन वायरिंग डायग्राम। मल्टी लाइन क्या होगा, देखो हमारा क्या है, ये हमारा एक स्विच है, ये हमारा स्विच है, ये हमारा एक लैंप है, ठीक है, ये हमारा लैंप है भाई। यहाँ से एक हमारा फेज तार आया ये, ठीक है, यहाँ से ये फेज तार आया, ये यहाँ से ये इसमें चला गया, और ये हमारा क्या है भाई, हमारा न्यूट्रल है ये क्या हमारा फेज, यहाँ से करंट आएगी, यहाँ गई यहाँ गई, और जब हम इसको ऑन करेंगे, इसको यहाँ पे ऑन करेंगे तो करंट ये गई, और यहाँ से करंट जाती जाती फिर इसमें जाएगी, इसमें गई, और यहाँ पे जाकर ये न्यूट्रल से क्या होती है, आउट हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ से हमने न्यूट्रल दे दिया, तो क्या हो गया हमारा वन लाइट पॉइंट, यानी कि एक लाइट पॉइंट है, लाइट पॉइंट मतलब ये है, ये लैंप है, क्या है हमारा, ये लैंप है, ये वन लाइट पॉइंट कंट्रोल्ड फ्रॉम वन पैलेस, यानी कि वन लाइट पॉइंट कंट्रोल एक जगह से कंट्रोल्ड है ये, ठीक है। ये हो गया हमारा मल्टी लाइन वायरिंग डायग्राम, कितना हो गया भाई, मल्टी लाइन वायरिंग वायरिंग डायग्राम डायग्राम, ठीक है भाई, ये हमारा मल्टी लाइन वायरिंग डायग्राम हो गया, ठीक है, मल्टी लाइन वायरिंग डायग्राम। दूसरा हमारा देखो क्या आता है, वन लाइट पॉइंट कंट्रोल फ्रॉम वन पैलेस, सॉरी टू पैलेस, वन लाइट पॉइंट कंट्रोल फ्रॉम टू पैलेस, ठीक है, यानी कि टू पैलेस, वो उसको हम कैसे करते हैं देखो। हाँ भाई देखो, अब हम देखते हैं इसमें हमारा, देखो इसमें ये थोड़ी सी चीज छूट गई थी, इसमें एक चीज मैं बता रहा हूँ, चलो बाद में बताऊंगा, पहले मैं इसे देख लो। देखो ये हमारा वन लाइट पॉइंट कंट्रोल फ्रॉम टू पैलेस, ठीक है, वन लाइट पॉइंट कंट्रोल फ्रॉम टू पैलेस, यानी कि एक बल्ब को दो जगह से कंट्रोल करना, किसे, दो जगह से कंट्रोल करना, कैसे, देखो ये हमारा टू वे स्विच है, क्या है हमारा, ये टू वे स्विच है, कैसे, यदि हमने इधर से सप्लाई आई, ये आई ये आई, जब हमने ये यहाँ से ये इस प्रकार से होता है, ये यहाँ पे हट के ये यहाँ पे भी लग जाता है, यहाँ पे भी लग जाता है ये, ठीक है, इसीलिए डैश डैश दिखाया गया है, ये इसीलिए डैश डैश दिखाया गया है, ठीक है, इसका और कोई कारण नहीं है, इसलिए डैश डैश दिखाया गया। जब यहाँ से हट के यहाँ पे लगाओगे तो भी देखो सप्लाई यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से हट गई, ठीक है, ये क्या है हमारा, हट गई सप्लाई यहाँ से, अब यहाँ से हट गई, देखो यहाँ से हट गई, ठीक है, अब हमें क्या करना है, यहाँ से जलाना है, तो उसको क्या करेंगे हम, इसको यहाँ से ये लेंगे, इससे यहाँ से यहाँ पे लगा देंगे, ठीक है, या फिर हमने देखो यहाँ से ये लगी रहा है दो, तो यहाँ से ये स्विच जो है देखो, एक ये रहा और एक ये रहा, दो स्विच है ये, ठीक है, टू वे स्विच, अब यहाँ से हटा के फिर इस पर लगा दो, तो ये सप्लाई यहाँ से जल जाएगी, यहाँ से हटाना है तो यहाँ पे लगा दो, दोनों जगह से कंट्रोल हो रहा है, ठीक है, दोनों जगह से वन लाइट पॉइंट टू पैलेस से दो जगह से कंट्रोल हो रहा है हमारा, देखो ये भी हमारा डेड डैश है ये इस प्रकार से, ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम स्कीमेटिक डायग्राम, क्या बोलते हैं, स्कीमेटिक, स्कीमेटिक मतलब स्कीम जो हमारे माइंड में आई थी स्कीम, ठीक है। दूसरा हमारा देखो मल्टी लाइन वायरिंग डायग्राम, मल्टी लाइन वायरिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये दोनों बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन डायग्राम है, ये आते हैं इनमें से, ठीक है, ये देखो क्या होता है इसमें, इसमें देखो क्या होता है, इसमें हमने देखो ये टू वे स्विच ले लिए, ये हमने ये, ठीक है, ये हमने स्विच ले लिए, देखो भाई देखो यहाँ से हमने देखो टू वे स्विच, ये वाले एक ये रहा, दो स्विच है, ये टू वे स्विच है, दोनों ओर से कंट्रोल हो जाता है लैंप, लैंप को हम यहाँ से चाहे यहाँ से बुझा सकते हैं, बला भी सकते हैं, यहाँ से चाहे तो यहाँ से बला सकते हैं, बुझा सकते हैं, क्योंकि ये जो है इसको हम यहाँ पे लगा देंगे तो जल जाएगा, और यहाँ से हटा देंगे तो बुझ जाएगा, अब हम यहाँ से नहीं तो यहाँ से करना चाहते हैं कंट्रोलिंग, तो यहाँ से यहाँ पे रहेगा तो बच गया, तो यहाँ पे हमें जलाना तो यहाँ पे, तो यानी कि दोनों से कंट्रोलिंग हो रही है, देखो फिर हमने क्या करा, एक टू वे स्विच ये रहा, एक टू वे स्विच ये रहा, ठीक है, यहाँ से हमने फेज तार लिया, ये करंट हमारी यहाँ पे गई, यहाँ से करंट जाके हमने ये इस प्रकार से भेज दी, किसमें भेज दी, ये इस प्रकार से भेज दी, अब ये करंट यहाँ पे आकर के फिर यहाँ पे गई है, ये करंट मैंने इस प्रकार से दिया, यहाँ पे फेज तार चल रहा है हमारा, ये हमारा फेज तार चल रहा है, अब देखो यहाँ से अगर हमें लैंप को बुझाना है तो यहाँ से ये जो स्विच है, ये वाला स्विच यहाँ से इस पे लगा देंगे, इसको इसको इस स्विच को यहाँ से यहाँ पे लगा देंगे, तो क्या होगा हमारा, यहाँ पे सप्लाई कट जाएगी, कट कर यानी कि यहाँ से हट जाएगी, यानी कि इस पे आगे सप्लाई नहीं जाएगी, देखो ये यहाँ पे यहीं पे रह जाएगा ये, ठीक है, ये यहीं पे रह जाएगा, तो सप्लाई क्या है, अगर हमने यहाँ पे लगा दी तो यहाँ से कट गई, हट गई, ये नहीं होगा, ठीक है, ये हमारा नहीं जलेगा लैंप। दूसरा हमारा क्या आता है, फिर हम क्या करते हैं, यहाँ से हटा करके अगर हमें इससे कंट्रोल करना है, अगर हमें इससे कंट्रोल करना है तो यहाँ से हटा करके हम इस पर लगा देंगे, तो इस पर लगा देंगे सप्लाई, यहाँ से तो आई यहाँ तक आई और यहाँ से यहीं रह गई, यानी कहीं नहीं गई, फिर यहाँ से ये स्टॉप हो जाती है, ठीक है, तो ये यहीं पर रह जाता है, तो इसका मतलब ये यहाँ पर यहीं रह गया। अब हमारा आता है नंबर मेन चीज आती है सिंगल लाइन वायरिंग डायग्राम, एक क्या है सिंगल लाइन वायरिंग डायग्राम, क्या है सिंगल लाइन, देखो कि हमारे स्विच कितने हैं, ये स्विच कितने हैं, ये देखो हमारे, ये हमारे स्विच है, हमारे ये हमारे स्विच है भाई दो,
ठीक है, सॉरी टू वे स्विच हमारे दो हैं, ये हमारे टू वे स्विच हैं दो, ठीक है। अब इसमें देखो एक चीज ध्यान रखने वाली है, ये इस प्रकार से, ये इस प्रकार से देखो, कुछ नहीं है इसमें, बहुत सिंपल है, सिंगल लाइन वायरिंग डायग्राम हमारा बहुत सिंपल है। कैसे सिंपल है देखो, यहाँ पे देखो ये हमारे स्विच लगा दिए, एक ये रहा स्विच, ये हमारे स्विच बोर्ड लगा दिए, ठीक है। इसमें क्या करना है देखो, यहाँ पे देखो तुम कहोगे कि भाई यहाँ पे कितने तार हैं, एक दो, तो यहाँ पे दो कट मार दो, यहाँ पे लाइन देखो कितने तार हैं, एक दो तीन, तीन लाइन है तो तीन कट मार दो, या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जब तीन से अधिक है तो हम कट मार गए इस प्रकार से, अगर चार है तो चार भी लिख सकते हैं, ठीक है, ये भी शो कर सकते हैं हम लोग। अब यहाँ पे देखो बल्ब के कितने थे, दो तार थे, ये कट मार दिया, यहाँ पे देखो कितने तार थे, तीन, तो एक दो तीन, ये कट मार दिया, ये हमारा हो गया सिंगल लाइन वायरिंग डायग्राम। इसी प्रकार से इसका हम सिंगल लाइन वायरिंग डायग्राम बनाएंगे, इसी प्रकार से हम इसका सिंगल लाइन वायरिंग डायग्राम बनाएंगे, ठीक है। ये हमारा लैंप है इस प्रकार से, देखो ये क्या हमारा सिंगल लाइन, इसको बोल देंगे हम सिंगल लाइन, सिंगल लाइन वायरिंग, देखो मेरे शब्दों पर ध्यान देना, वायरिंग डायग्राम, डायग्राम, ठीक है, सिंगल लाइन वायरिंग डायग्राम, सिंगल लाइन वायरिंग डायग्राम, ठीक है। ये हमारा लैंप है, ये स्विच बोर्ड है, ठीक है। देखो यहाँ से कितने तार आ रहे थे भाई इसके, दो, इसका बल्ब बनाया है मैंने, अब इसमें यहाँ पे कितने तार थे, दो, तो यहाँ पे भी कट दो मार दिए, यहाँ पे कितने, दो, तो यहाँ पे भी दो मार दिए, यहाँ पे कट कितने, दो, यहाँ पे कितने, दो, तो यहाँ भी दो मार दिए, ठीक है भाई। ओके, हमारे चैनल का ध्यान रखना, आज के लिए इतना ही चैनल, क्योंकि डाटा काफी खर्च होता है, मुझे और भी लेक्चर लेने। ओके, गुड बाय, थैंक यू।